children, welcome back to the revision session. It is session number 3. All right. So far we have solved 16 sums in previous 2 sessions. All right. Let's proceed further. We have 4 more sums to solve here on the board right now. Let's see them one by one and solve them. Ye pehla wala is of 1 mark. Second is also of 1 mark. Ye find the value है, थोड़ी गड़बड़ है, actually simplify, वो भी 1 mark का ही है, और ये 2 marks का है, alright, so let's see them, alright, what is the first one, into bracket, 4 plus root 32 is equal to plus root 64 minus 4 root 2 is a dash number. Definitely. Either a rational number or irrational number. Rational ya irrational. Do me se ek jawab dena hoga. So let's see. Let's solve. Don't say irrational. Solution 17. Seedha dekhte irrational mat batao. Yes. Kahin pe simplification ho raha hoga. Dekho, dekhta hai. Kya ho raha hai? Woh ladki ne jaldi se bata diya irrational hai. माइनस 4 रूट ओके चल 4 तो 4 ही रहेगा अभी इसका सिंपलीफिकेशन होने वाला है 2 16 सा 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा 2 1 सा ये स्क्वायर रूट है इट्स स्क्वायर रूट सो पेयर बोलो यहां से 2 और यहां से 2 2 2 सा 4 और बेचारा फंस गया रूट 2 अकेला रह गया तो रूट में So what is root 32? Yes. अब ये तो perfect square है, छोटा सा number है. Square root of 64 is 8. 8 into 64. यदि नहीं पता लगा, तो ऐसे कर लो. 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. Square root है, it's square root. So select pairs. तीन पैर मेरा यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 तीनों का प्रोडक्ट 2 into 2 into 2 is what so that is it minus 4 root so 4 plus 4 root 2 ब्रैकेट ओपन किया plus 8 minus 4 root 2 ये गया अपोजिट और 4 plus 8 is 12 that is rational बड़ी बता रही थी रेशनल है ये सब स्क्वायर रूट पर देख के Yes, don't give out the answer unless you simplify and see. Yes, after simplification, kahin pe root reh gaya, so that is irrational. But this is a... Irrational. Hai na? To, mehnat karke milega. Aise nahi. Jarur one mark hai, but still you have to work hard. Alright, so here is the screenshot of that 17th one. Now let's see 18th one. Okay? Be careful. What is the 18th one? Oh, वो भी वन मार्क का लेकिन कड़ा है कड़ा कड़ी मेहनत कराने वाला है हमको 1 upon 1 plus a x raised to a minus b plus 1 upon 1 plus x raised to b minus a आओ upon 1 plus यहां कुछ हम करने वाले थे
चलिए, व्हाट इज एक्स रेस टू ए डिवाइड बाय एक्स रेस टू बी? डिविजन ऑफ पावर्स, बोलो एक्स रेस टू ए माइनस व्हाट इज एक्स रेस टू ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू बी? एक्स रेस टू ए प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स. तो हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं. इफ इट इज एक्स रेस टू ए प्लस बी, यू कैन से एक्स रेस टू ए इन टू एक्स रेस टू बी. सिमिलरली हियर एक्स रेस टू ए माइनस बी इज व्हाट? एक्स रेस टू ए डिवाइड बाय एक्स रेस टू बी, विच में बी रिटन एज एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी. लिख सकते हैं ना, वही चीज यहां है एक्स रेस टू ए माइनस बी. सो दैट इज एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू. समझ में आई बात? चलिए, प्लस प्लस वन डिवाइड बाय फिर ब्रैकेट वन, आई राइट वन अपॉन वन क्योंकि यहां फ्रैक्शन आने वाला है. वही चीज एक्स रेस टू बी माइनस ए, दैट इज एक्स रेस टू बी अपॉन या डिवाइड बाय एक्स रेस टू ए. भाई यहां एलसीएम, यहां एलसीएम, बहुत मेहनत का काम है. वन डिवाइड बाय, बोलो व्हाट इज एलसीएम ऑफ वन एंड एक्स रेस टू बी? इट्स एक्स रेस टू बी. सो यहां एक्स रेस टू बी लगेगा और यहां वन. एक्स रेस टू बी वन सा प्लस वन इंटू एक्स रेस टू ए, चलिए ब्रैकेट ओवर प्लस, चलिए वन डिवाइड बाय सेम वे व्हाट इज एलसीएम ऑफ दिस टू? एक्स रेस टू ए वन इंटू वॉट? एक्स रेस टू ए. एक्स रेस टू ए इंटू वॉट? वन. करेक्ट. नाउ एक्स रेस टू ए इंटू वन? एक्स रेस टू ए प्लस वन इंटू एक्स रेस टू बी. राइट. अब ये जो डिवीजन है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सो अगेन दैट इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाइड बाय, इनवर्स कर दो, बोलो एक्स रेस टू बी ऊपर और ये एक्स रेस टू बी प्लस एक्स रेस टू ए. लेकिन टर्म्स को अरेंज करो तो आई कैन राइट एक्स रेस टू ए फर्स्ट एंड एक्स रेस टू बी नेक्स्ट. इट्स वन एंड द सेम. सो एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू प्लस, बोलो वैसा ही वन मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर एक्स रेस टू ए अपॉन ए प्लस एक्स रेस टू. चलिए वन इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग. सो एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी प्लस वन इंटू दिस सेम एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू. वेरी इंटरेस्टिंग. अब एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा लेकिन जरूरत नहीं है. क्यों? लाइक डिनोमिनेटर ये तो सेम है एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू, तो ऊपर सीधा लिख सकते हैं एक्स रेस टू बी प्लस एक्स रेस टू, एक्स रेस टू बी प्लस एक्स रेस टू, वो तो वन एंड द सेम कैंसल हो जाएगा, एक ही तो है. सो दैट इज आंसर यार. बड़ी मेहनत, दो मार्क का होना चाहिए इज़न्ट इट? कम से कम दो मार्क. सो हियर इज द स्क्रीनशॉट बिफोर वी मूव ऑन टू द 19th वन. इज दैट क्लियर? Now the 19th one. Find the value of fourth root of cube root of 2 square. I don't think we are going to get value. Sirf simplify hoga. Yeah, question find the value of likha hai. Chaliye dekhte hain. Fourth root of cube root of 2 square. Ek kaam karte hain. फोर्थ रूट को निकाल देते हैं या इसकी वैल्यू. अच्छा, फोर्थ रूट आई एम कीपिंग एज इट इज. फोर्थ रूट आई एम कीपिंग एज इट इज.
ये जो क्यूब रूट है आई एम राइटिंग होल रेस टू क्यूब रूट सो वन थर्ड आई रिमूव दिस सिंबल ऑफ क्यूब रूट सो ब्लैक बेस रेस टू वन थर्ड हटा ले क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में वन हाफ फोर्थ रूट में बनेगा वन फोर्थ अच्छा बोलो किसका क्यूब रूट टू स्क्वायर है ना अब मैं निकालने जा रहा हूं फोर्थ रूट सो लार्ज ब्रैकेट फोर्थ रूट निकाल दिया आई एम रिमूविंग दिस सो रेस टू वन फोर्थ और बाकी का जो है वो रहने दो टू स्क्वायर ओके फिर रेड ब्रैकेट रेस टू अब क्या है आपके पास पावर ऑफ पावर ऑफ आउटर एक्सपोनेंट मिडल एक्सपोनेंट इनर एक्सपोनेंट ये तीनों एक्सपोनेंट को क्या करेंगे पावर ऑफ मल्टीप्लाई सो दैट इज इक्वल टू ये बेस और नाउ टू इंटू वन थर्ड इंटू वन टू इंटू वन थर्ड इंटू इतना तो कैंसिल होने वाला है टू वन जा टू टू जा सो दैट इज इक्वल टू टू रेस टू वन अपॉन वन वन जा वन और थ्री टू जा सिक्स वंस अगेन आई एम गोइंग टू पुट द सिंबल वन अपॉन सिक्स का सिंबल क्या होगा सिक्स रूट ऑफ वन टू दिस इज द वैल्यू या सिंप्लीफिकेशन आगे कुछ नहीं होने वाला है ना इसलिए मैंने बोला कि यहां व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू बोला तो भाई वैसी वैल्यू मिलेगी आपको व्हाट इज द वैल्यू यस द आंसर हियर सिक्स्थ रूट ऑफ टू जैसा बीज बोगे वैसा फल ये वो क्वेश्चन ये वो दवा यू अंडरस्टैंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ये टू मार्क्स का है लेकिन इट शुड बी ऑफ थ्री मार्क्स क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत करनी है लेट्स सिचुएशन क्वेश्चन फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन ये ए कहां से आ गया एंड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना तो एटलीस्ट यू शुड नो वन फैक्टर कम से कम एक फैक्टर पता हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं है कि नहीं आर यू गेटिंग मी और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर क्योंकि अभी पता ही नहीं है तो हम वो चेक करेंगे इज एक्स माइनस वन अ फैक्टर और एक्स प्लस वन अ फैक्टर दो में से कोई फैक्टर हो तो हमारा लक है नहीं हो तो फिर गड़बड़ है बट मैंने बताया था आइदर एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन फैक्टर होना ही सो यू आर सपोज टू फैक्टराइज दिस सो एटलीस्ट यू शुड नो वन ऑफ द फैक्टर तब हम एक्चुअल डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे डिवाइड करेंगे तो चलिए आई एम राइटिंग दोस वेरिएबल्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स के दो टर्म है ना एक्स के दो टर्म है माई गुडनेस ये तो गड़बड़ करने वाला है चलिए और कॉन्स्टेंट सरकारी कद है कॉन्स्टेंट अब जरा समझिए ओके पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस That is equal to x square minus I am writing x square x cube minus x square. अब यहाँ तो x common है, so plus x is common. Bracket में क्या मिलेगा? A plus या minus common. Bracket में क्या मिलेगा? A plus. I am writing this in proper order now. x cube minus x square plus ये ब्रैकेट आगे a प्लस वन इंटू एक्स
और माइनस ए प्लस वन। और भाई अब पता चलेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? वन। वन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? वन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? माइनस वन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? ए प्लस वन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज? और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस ऑफ ए प्लस वन। सबका टोटल करो, प्लस वन माइनस वन, इसको ब्रैकेट कर दो ना, प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, सो सम इज जीरो, सम ऑफ कोएफिशिएंट इज जीरो, सो विच वन इज अ फैक्टर? एक्स माइनस वन इज अ, एक्स माइनस वन इज अ, अभी फैक्टर तो पता चल गया, लेकिन हम डिवाइड कैसे करें? यहां तो ए है, दो दो जगह पे ए है, वी शुड हैव सम नंबर्स, रियल नंबर होना चाहिए, वो तो नहीं है। सो फर्स्ट वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फिर फैक्टराइज करेंगे। चलिए, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए? देयरफॉर हम डायरेक्टली ओके यहां लिखिए, देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। Now, sum of coefficients of all terms of P of X is equal to Milana. Therefore, X minus 1 is a factor of P of X. जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर इज जीरो, फैक्टर फैक्टर जीरो। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। अब वो फैक्टर कौन सा है? सो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लिख के एक्स इक्वल टू व्हाट भी आ गया है, हाँ, सो रिमाइंडर कैसे मिलेगा? पी ऑफ एक्स की वैल्यू वन। So, यहां लिख देता हूं, रिमाइंडर इज व्हाट? बोलो, रिमाइंडर पी ऑफ इज इक्वल टू जीरो। आई विल इरेज दिस पार्ट नाउ। ठीक है, पी ऑफ एक्स ये ओरिजिनल ले लूंगा। P of X has 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms. So P of 1 also will have 6 terms. Ye P of 1, children, left hand side mein hai. So wherever you come across X, put 1. Therefore, bolo, X cube. 1 cube. Very good. Minus X square. 1 square. Plus A into X. 1. Plus X. 1. Minus A. Minus 1. ये P of 1 के 6 टर्म्स आ गए। बोलो आगे, इक्वल टू, क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन डोंट लाइक दिस, इक्वल टू जीरो तो लिखे नहीं, अब अपनी बेकारी ले जाते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज 1 माइनस 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये नहीं कर रही, एक की वैल्यू ही नहीं मिल रही है, एक की वैल्यू ही नहीं मिल रही है। चलिए, तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यार, ये तो कट हो जाएगा, तो तरीका क्या है? एक काम करेंगे, विल डिवाइड दैट पॉलीनोमियल बाय एक्स माइनस वन, विल डिवाइड दैट पॉलीनोमियल बाय एक्स माइनस वन। ऑलराइट, हाँ, यहाँ ये नहीं यूज करेंगे, हम ये नहीं यूज करेंगे, ये गलती हमसे हुई है तो हम सुधारेंगे। दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है देखते हैं। Children, please pay attention. I'm going to divide this polynomial by x minus 1. And remainder क्या मिलेगा? Zero. उसका मैं इस्तेमाल करूंगा. Be careful. चलिए. So divide. बोलिए x cube minus x square plus plus minus माइनस वन। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा ना चिल्ड्रन, मुझे ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स और माइनस ए प्लस वन। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस बाय
एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स 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 स्क्वायर इंटू एक्स 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 स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर डिफरेंस साइंस माइनस एंड नाउ दिस इज माइनस एंड ये गया और ये भी गया सो ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस ठीक है फुल बोलो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ए प्लस वन इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स सो ए प्लस वन सो यह ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट में लिख दिया कोई बात नहीं नाउ ए प्लस वन इंटू एक्स ए प्लस वन इंटू एक्स ए प्लस वन इंटू माइनस वन सो माइनस ऑफ ए प्लस वन इंटू माइनस वन को समझ में आई बात सो अभी ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया सो दिस कैंसल सो रिमाइंडर इज ए की वैल्यू फाइंड करनी नहीं ए कैन बी एनी वैल्यू राइट चल सो ये देयरफॉर पी ऑफ एक्स उसका एक फैक्टर कौन सा है एक्स माइनस वन और दूसरा फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन हो गया क्योंकि इसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा दो इट इज अ क्वाड्रेटिक वन समझ में आई बात श्योर हम सोच रहे थे कि हम पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लेकिन वहां तो ए ही गायब हो गया सो ए की वैल्यू हमें मिलने वाली ए कुछ भी होगा यहाँ माइनस फाइव इसलिए वो प्लस फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाता है यहाँ सेवन तो प्लस सेवन माइनस सेवन वो कैंसिल हो जाता है सो दैट एक्स माइनस वन इज अ सो ए कैन बी एनी रियल नंबर और जब तक वो रियल नंबर नहीं पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर कुछ रियल नंबर मिलेंगे फिर भी ये फैक्टराइज नहीं भी होगा वो भी है ना सो हियर इज द स्क्रीनशॉट सो चिल्ड्रन हियर वी आर विद नेक्स्ट फोर सम्स लेट्स प्रोसीड फर्दर आर यू रेडी वेरी गुड नाउ व्हाट इज 21st वन वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन What is the rationalizing factor of 1 upon root 50? This root 50. Some children very quickly answers. Root 50 है ना? तो root निकालने के लिए root 50 multiply कर दो, so square हो गया. नहीं, हमें smallest rationalizing factor चाहिए. आप root 50 कहोगे तो ठीक है, answer is correct. लेकिन option लिखना पड़ेगा. When there is no option, मतलब मल्टीपल चॉइस यहां मल्टीपल चॉइस नहीं है आप रूट 50 भी लिख सकते हो आर यू गेटिंग मी लाइक दिस 1 अपॉन रूट 50 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 50 ऊपर रूट 50 नीचे 50 हो गया सो डिनोमिनेटर इज रेशनलाइज सो व्हिच इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 50 लेकिन उससे छोटा द Smallest. What is the member ना देखा हूं Smallest. What is the smallest? मैंने चेंज कर दिया What is the smallest? यदि smallest की बात है तो root 50 is not the answer. तो क्या करना होगा What you are going to do? Please pay attention. 1 upon root 50. Children, first try. See if this can be further simplified. क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 225 ये स्क्वायर रूट है सो दिस स्क्वायर इज आउट बोलिए पाई बाहर रूट से बाहर और बेचारा सिर्फ 2 रह गया अब तो आप आराम से कह सकते हैं व्हाट यू मल्टीप्लाई डिवाइड पाई रूट 2 अरे पाई रूट 2 क्यों सिर्फ रूट निकालना है ओनली रूट टू रूट टू इंटू रूट टू टू आ जाएगा सो डिनोमिनेटर इज रेशनलाइज सो नाउ व्हाट इज द आंसर द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज अरे रूट टू जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो वो द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट टू इसको रेशनलाइज करेगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई रूट टू इज अ डिफरेंट थिंग
बट क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? रूट टू. सो द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट टू. द सेकंड बेंच बॉय, यू आर नॉट अटेंटिव एट ऑल. यार ध्यान दो प्लीज, पुट दैट थिंग डाउन. दैट बॉय, क्लियर? सो फर्स्ट वन द आंसर इज रूट. सो यू चेक दिस. Moving on to the next one, and that is 22nd one. By ye one mark ka. Now this is also of one mark. Ye do mark ka. And the last one is also of two mark. All right, check. Let's see the 22nd one. If f of x is a polynomial such that f of minus 1 upon 3 is equal to 0, then one of the factor of f of x is dash. One of the factor of f of x is dash. Children, ye 22nd one ka dekho aap. F of minus 1 third is equal to 0. Ye remainder hai. This is remainder. Aur remainder 0 hai. Hai na? Remainder is zero. So here x is equal to minus 1. कह सकते हैं ना? Yes. This x is equal to minus 1. बोलो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x is equal to minus 1. के बाजू लाओ, 3x plus 1 equal to zero. Equal to zero निकाल दो, तो 3x plus 1 is a जब फैक्टर बताते हैं तब हम क्या लिख देते हैं? 3x plus 1 equal to 0. 3x is equal to minus 1. Therefore, x is equal to minus 1 upon 3. So, the value of polynomial at x equal to minus 1 third is 0. ये है हमारा remainder theorem. Sorry, factor theorem. Are you getting me? उसका उल्टा है. F of minus 3 is 1 upon 3 is 0. So x is equal to minus 1 upon 3. So what you got? 3x plus 1 equal to 0. जैसे हमने 0 इंट्रोड्यूस किया था वैसे 0 निकाल दो. So 3x plus 1 is a factor. So इसका आंसर, one of the factor is 3x plus 1. यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चार ऑप्शन ए बी सी डी है, तो चूज द करेक्ट वन फ्रॉम इट. इज दैट क्लियर? अटेंटिव नहीं है, सिर्फ आंखों से यहां देखना और कानों से सुनना वो अलग चीज है. ऑलराइट चिल्ड्रन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. पे अटेंशन. नाउ नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई. इसको सिंप्लीफाई करना होगा एंड स्लाइटली टफ है, लेकिन पहले भी हम कर चुके हैं, आज ही कर चुके हैं, वो पहले फर्स्ट फोर में. ओके, फिर से मैं बता रहा हूं कि आप समझ गए, राइट? चलिए, क्या है? सी दिस, एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ. बोलिए, एक्स रेस टू एम. और यदि ऐसा हुआ, एक्स रेस टू एम डिवाइड बाय एक्स रेस टू एन, देन दैट इज एक्स रेस टू. लेकिन अब उल्टा, x रेस टू m प्लस n कैन बी रिटन एज x रेस टू इन टू x रेस टू m. और यहां उल्टा लिखोगे तो x रेस टू m अपॉन या डिवाइड बाय x रेस टू n. इसका इस्तेमाल करेंगे हम. ऑल राइट, लेट्स सी वेरी क्विकली. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड. नाउ 23rd वन, 16 इंटू 2 रेस टू एन प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेस टू अपॉन 16 इंटू 2 रेस टू एन प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेस टू एन प्लस 2. इसको सिंप्लीफाई करना है. एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर में एक तो पावर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसमें सेकेंड वन पावर है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसमें सेकेंड वन पावर. कैन यू सी दैट सिचुएशन? टू रेस टू एन प्लस, उसको हम स्प्लिट करेंगे. रिवर्स लॉ,
ये प्लस है सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर, उसका रिवर्स लॉ. देखो समझो, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2. ओके, आई यूज डिफरेंट कलर पेन. बोलो 2 raised to 2 raised to 1 प्लस 9 इंटू बीटा फुल माइनस 4 इंटू 2 raised to n. उसी तरह यहां बोलिए 16 इंटू 2 raised to 2. वेरी गुड छोटू, आज बढ़िया जवाब दिया. 2 raised to n इंटू 2 square. 2 raised to n इंटू 2 square. माइनस यहां भी वही करना पड़ेगा, 2 raised to n इंटू 2 square. Now, 2 raised to 1 is 2. 16 2s are into minus. Ye to 4 into whole upon 2 square 4 into 16 into minus 2 square 4 2s are into. Into, definitely into. Alright, now factorization. 2 raised to n is common. Upar ke do terms se. Factorization children, taking common. In both the terms we have 2 raised to n. So 2 raised to n common. Bracket mein 32 minus 4. 32 minus 4. Aur usi tarah denominator ke do terms mein 2 raised to n is common. Aur bracket mein 64 minus. अरे यार ये तो चला गया, कैंसल. समझ में आया? और 32 माइनस 4 इज 28, 64 माइनस 8 इज 15, जा रहा है 4 7 जा 4 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 1 upon 2. The simplification is इसका जवाब 1 upon 2 आया. All right. And the last one for this session, and that is number 24. Last one, number 24. All right, let's see. 24. Bada aasan sa hai, but you have to be careful. Thoda careful ho. If p of x is x square minus 2 root 2x plus 1, find the value of p of 2 root 2. Bhai, carefully, in place of x. You have to substitute. चलिए p of x क्या है? That is x square minus 2 root 2x plus 1. Therefore, p of x. X मैं नहीं लिख रहा हूं. P of x नहीं लिखा. X square minus 2 root 2x plus 1. हम x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? Yes, p of 2 root 2 चाहिए. So in place of x, we are going to write 2 root 2. तो जहां भी x है मैंने जगह छोड़ी दी है 2 root 2. हाँ, square भूल गया मैं. Yes. और 2 root 2. और square of 2, 4. Into square of root 2, 2. ठीक है. This. 2 into 2. 4. Root 2 into root 2. 4. और plus 1. ये तो 8 minus 8 plus 1. Plus 8 minus 8. So what is the value? 1. P of 2 root 2 is 1. 1. So you were supposed to find P of 2 root 2 and you are getting it as 1. So children, that's all for this session today. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe.